गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। रमेश चंद्र शर्मा, अध्यक्ष राजमंत्री का दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय भोपाल, कक्ष क्रमांक 82, भूतल मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल, 462004, मध्य प्रदेश दूरभाषा कार्यालय 07552572459। यहाँ पर दिया है मोबाइल नंबर 9425603967, ईमेल ramesh_ujjain@mp.gov.in। और बड़ा अपडेट है अतिथि शिक्षकों के लिए, वो अतिथि शिक्षक जो कमजोर वर्ग से हैं दोस्तों, SC ST OBC की बात करते हैं, यहाँ पर उनके लिए बड़ा अपडेट है। परीक्षा पात्रता को लेकर, शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर दिनांक आप देख सकते हैं, भोपाल दिनांक 19/4/2023, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन भोपाल। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बासोदा आ रहे हैं दोस्तों, सभी अतिथि शिक्षक उनको ज्ञापन देंगे, मांग करेंगे अपने पद स्थाई की, और जो उनके साथ में अन्याय हो रहा है, जैसे कि उन्होंने अनुबंध की बात की थी, उसको लेकर भी ज्ञापन दिया जाएगा और नया आदेश जल्द से जल्द जारी करवाया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के समान अतिथि शिक्षकों को 10% आहर्ता अंक कम करने विषयक। जैसे कि वर्तमान की बात करते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी मेहनत करनी होती है, और उन्होंने जो पासिंग मार्क्स को लेकर 10% आहर्ता अंक कम करने को लेकर मांग की है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, अन्य वर्गों की भांति। और श्री सुनील सिंह परिहार, प्रदेश अध्यक्ष अतिथि शिक्षक समन्वय समिति का पत्र दिनांक 2/4/2023 का संलग्न है, जिसमें आपने EWS अभ्यर्थियों की भांति अतिथि शिक्षकों को शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा में आहर्ता अंक कम करने का अनुरोध किया है। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शिक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 में निम्न अनुसार संशोधन करते हुए, शिक्षक पात्रता परीक्षा में आहर होने के लिए प्रवर्ग वार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 60% के स्थान पर 50% आहर्ता अंक किए गए हैं। कर्मचारी चयन आयोग मध्य प्रदेश द्वारा वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा में अतिथि शिक्षकों को 25% आरक्षण दिया गया है, किंतु पात्रता परीक्षा में अतिथि शिक्षकों को 60% अंक होने के कारण कई अतिथि शिक्षक पात्रता परीक्षा से बाहर हो गए हैं। अनुरोध है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के समान अतिथि शिक्षकों को 10% आहर्ता अंक कम करने के निर्देश प्रदान करने की कृपा करें। रमेश चंद्र शर्मा, अध्यक्ष। ये अपडेट बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अगर जनरल कैटेगरी के लिए पासिंग मार्क्स कम होते हैं तो वो तमाम अतिथि शिक्षक जो 85 नंबर प्राप्त कर रहे हैं, 88 नंबर प्राप्त कर रहे हैं, 89 नंबर ला रहे हैं, 89.5 नंबर जिनके आ रहे हैं, वो एग्ज़ाम फाइट कर जाएंगे और उनके लिए चांस बन जाएंगे। सिर्फ ये मांग तमाम वो अतिथि शिक्षक जो लगे हुए हैं उनके लिए की गई है। बाकी जो भी नए अपडेट आएंगे आप लोगों को फिर बताएंगे। मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।